सो हे व्हाट्स अप गाइस, जैसे कि आप सबको ऑलरेडी पता होगा, बहुत सारे जी कैम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जी कैम के मोड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं आपके पास, और उसमें से एक और जी कैम है, जी कैम 8.1 बाय विचाया। और ये जी कैम भी एज ऑलवेज 8.1 के ऊपर बेस्ड है, बस कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, बट मैंने आपको सभी जी कैम्स के बारे में बता ही दिया है, उसमें से ये भी जी कैम इंक्लूडेड है। तो जो भी आपको जी कैम पसंद आए, आप उसको अपने डिवाइस में ज़रूर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो कोई भी इशू आपको नहीं होगा। ये भी जी कैम 8.1 के ऊपर बेस्ड है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। कस्टमाइजेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी हैं इसमें। उसमें आपको सेम फीचर्स देखने को मिलेंगे, गूगल AWB, मोशन, फोटोज़, टाइमर, रेशो, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लेंस की जो स्विचिंग है वो काफ़ी अच्छी होती है। मोस्टली अगर आप बात करेंगे जी कैम 8.1 में, आपको जो लेंस की स्विचेस मिलती हैं ना, लेंस की स्विचिंग वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। आपको पोर्ट्रेट में भी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, उसमें भी आप लेंस स्विचेस यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें बात करेंगे फेस रीटचिंग की, बिल्कुल आपको वो ऑप्शन तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ही। टाइमर, रेशो, आपको आप इसमें इमेज की क्वालिटी को सेटअप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ें आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट अच्छी ही देखने को मिलेंगी। नाइट सेट वगैरह के अंदर भी आपको यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें आपको ऑटो का मोड, ऑटो मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसे ऑफ कर सकते हैं या फिर ऑटो में रहने देंगे, यानी कि आप इसमें प्रॉपरली ऑन ऑफ का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि एस्ट्रो फोटोग्राफी कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनमें से कोई भी ट्यूटोरियल चेकआउट कर सकते हैं। एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड काफ़ी अच्छा मोड देखने को माना जाता है। उसके साथ साथ अगर इसमें बात करेंगे वीडियो के अंदर ऑप्शंस की, तो आप फुल HD में अप टू 60 FPS बड़े आराम से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने इस चीज़ को यूज़ करना हो तो आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसमें आपको 4K का सपोर्ट देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर आपका डिवाइस सपोर्ट नहीं करता है 4K 60 FPS को, तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आप 4K 30 FPS में यूज़ कर पाएंगे। अगर आपका डिवाइस सपोर्ट करता है 60 FPS को, तो आप ज़रूर यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ वीडियो की स्टेबलाइजेशन के अंदर भी अच्छे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड, लॉक्ड, एक्टिव, सिनेमैटिक पैन, जो कि काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था कुछ टाइम पहले, तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा था। स्लो मोशन एज एक्सपेक्टेडली मेरे केस में यहाँ पर काम नहीं कर रहा, और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। ऐसी चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल हैं, तो आपके केस में भी होपफुली ये चीज़ काम नहीं करेगी, बट सभी चीज़ें काम करती हैं। टाइम लैप्स वगैरह, बाकी सब वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, जो मेन चीज़ें वो सभी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करती हैं। यहाँ पर आपको प्ले ग्राउंड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली काम नहीं कर रहा है। मैंने इसको ट्राई करा 2-3 बार, काफ़ी चीज़ें इसमें कस्टमाइज़ करके देखी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मेरे लिए ये चीज़ काम नहीं करी। बट हाँ, काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर आपके डिवाइस में काम करे तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आप देखेंगे आप इसमें बैक कैमरा का मॉडल एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा का मॉडल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सैबरे ऑक्सिलरी कैमरा के अंदर कस्टमाइजेशन अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ आपके पास कैमरा फोटो रेजोल्यूशन, वीडियो स्टेबलाइजेशन, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको इस जगह में देखने को मिलते हैं एज एक्सपेक्टेडली। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ डेवलपर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अगर इन सब के बारे में आपको नॉलेज है, आप तभी यूज़ करिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। काफ़ी अच्छा जी कैम है वैसे तो, इसमें आपको पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप एडवांस में चलेंगे, तो आपके पास यहाँ पर HDR, डर्टी लेंस वार्निंग, जो सेम फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, बाकी सब जगह पर आपको वही चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। कस्टम लिप का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, थर्ड पार्टी गैलरी आप यूज़ करें, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। इस जी कैम के APK का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको इसको नॉर्मली अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये जी कैम आपके केस में काम ना करे, आपके डिवाइस में काम ना करे, तो बहुत सारे बाकी ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है, आप उनमें से कोई भी ऑप्शन ट्राई आउट कर सकते हैं। बस ये सब चीज़ें थी आज की इस वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज़ ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। Over the edge, feel like I'm floating through the air.